हाय, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का रियल कॉज क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का जो रियल कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे इसका पता चलता है? अपनी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए रहता है, और ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करने के लिए एक इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन रहते हैं, दोनों अटैच होते हैं और गेट ओपन होता है जब भी ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर सकता है। अब यदि किसी कारण से इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा प्रॉपर और उससे इंसुलिन अटैच नहीं हो पा रहा है, तो गेट ओपन नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा तो वो पेनक्रियाज को सिग्नल देंगे कि ब्लड में इंसुलिन की कमी है, तो पेनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करेगा। इस तरह ब्लड में इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों का लेवल बढ़ता जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है सेल नहीं ले पा रही है, उसको क्या करता है फिर बॉडी, उसको कन्वर्ट कर देती है पूरा ट्राइग्लिसराइड में, और वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में फैट सेल्स में स्टोर होता जाता है। इस तरह बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में। ब्रेन सेल होती हैं, उनको ग्लूकोज चाहिए ही रहता है, यदि वो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उनमें धीरे धीरे जैसे मेमोरी लॉस होना या एल्जाइमर की दिक्कत हो जाती है आगे चल के। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे बेली फैट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, एचडीएल का लेवल कम होना, बॉडी में जगह जगह कुछ स्किन टैग्स बन जाते हैं, कई जगह पे डार्क वेलवेटी एरिया बन जाते हैं जिनको एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। ये सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब यदि अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करते हैं, यानी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपन डिक्रीज कर लेते हैं, तो ये सारे सिम्टम में अपने को रिलीव मिलेगा और बॉडी है जो ग्लूकोज को प्रॉपर यूटिलाइज ही कर पाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लो कार्ब डाइट लेना पड़ेगा, जो सिंपल शुगर है, सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, एडेड शुगर है, रिफाइंड है, बेकरी है, केक है, ये सब अपने को अवॉइड करना पड़ेगा। और अपने को जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन है, ओट है, लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, ब्रोकोली है, इस तरह की वो सारे इनूल डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके साथ अपने को डेली एक्सरसाइज करना है, वेट रिडक्शन करना है, कंडीशन में फिर धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होएगा, अपने को जो हैंगर है वो अपनी कम हो जाएगी, जो बार बार खाने की जो इच्छा रहती है वो कम हो जाएगी, बेली फैट रिड्यूस होने लग जाएगी, बीपी अपना नॉर्मल आ जाएगा, फैट का लेवल नॉर्मल हो जाएगा और अपन एकदम सेटिस्फाइड रहेंगे और एनर्जेटिक फील करेंगे। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट लंबे टाइम तक बना रहता है, आगे चल के यही कन्वर्ट हो जाता है डायबिटीज मेलिटस में। और अपन देखते हैं कई लोगों में जो डायबिटीज है रिवर्स हो जाती है, पहले वो मेडिसिन लेते हैं फिर उनका मेडिसिन भी बंद हो जाती है, ठीक हो जाती है, उसका यही रीजन है कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो सही हो गया है, मतलब या उन्होंने अपना डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही कर लिया है, तो उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो गई है। सो दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रियल कॉज फॉर हाई ट्राइग्लिसराइड। तो अपने को ट्राइग्लिसराइड को कम करना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही करना पड़ेगा। थैंक।